नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत आर्ट्स और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लिप्स के बारे में बात करेंगे कि लिप्स के आप आउटलाइन कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। सबसे पहले मैं गलत तरीका बता देता हूं जो गलत करते हैं काफ़ी बिगनर्स, तो आप इस तरह से आप कर देते हैं। जो एक्चुअली में सही तरीका होता है लिप्स ड्रॉ करने का, वो भी मैं करके दिखाऊँगा अभी आपको। इसका आउटलाइन देखिए कैसे किया जा रहा है, कैसे कर रहे हैं हम, वो देखिए, उसको देखिए फ्रेंड्स, कैसे हम कर रहे हैं देखिए। यही एक सही तरीका होता है कि आप लिप्स को ड्रॉ करने के। इसके बाद आपको यहाँ से मिला देना है, एक लंबाई सीमित लंबाई रखना है इसका, ताकि लिप्स को सही देखने में सही लगे। अभी तो मैं फ़िलहाल आउटलाइन ड्रा करके आपको दिखा रहा हूँ और इसको फिनिशिंग करते हुए निकलेंगे। एक बिगनर्स कैसे फिनिशिंग करता है, ब्लेंडिंग करता है, एक सही तरीके से कैसे होना चाहिए, वो मैं करके दिखाऊंगा, सही गलत दोनों करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप ग्राफ के थ्रू एक लिप्स को ड्रॉ कर पाएंगे और ये बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ होगा आपका आउटलाइन। और ये देखिए ब्लेंडिंग कर रहे हैं इसको, एक गलत तरीके से कैसे करते हैं वो मैं करके दिखा रहा हूँ ब्लेंडिंग इसमें। ये हो गया आपका ब्लेंडिंग इधर। अब मैं इसको करता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिटा देते हैं लाइन को। ये मेरा 5B का पेंसिल है, वो काफ़ी ये छोटा है, इसलिए इससे करने में थोड़ा आसानी होती है, हेल्प मिल जाती है। अगर आप छोटे पेंसिल से ब्लेंडिंग आप कर रहे हो तो थोड़ा और भी हेल्प मिल जाता है, थोड़ा उतना मतलब जितना बड़े पेंसिल से करने में होता है ना, तो अगर आप छोटे पेंसिल से करते हो तो बहुत अच्छा लगता है करने में, तो इसलिए मैं छोटा पेंसिल था इसको यूज कर रहा हूँ 5B का। यहाँ पर आप 2B पहले यूज करेंगे, हालांकि मैं 5B कर रहा हूँ हल्के हल्के से, ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें नीचे की तरफ डार्क करना है हल्का, जैसे किया जा रहा है, ये नहीं कि उस तरीके से जैसे अभी साइड में किए हैं, उस तरीके से नहीं करना है। ये सही तरीका है, वही दिखा रहे हैं आपको किस तरह से। देखिए हम नीचे की तरफ डार्क कर रहे हैं थोड़ा, तो इसी तरह करना है फ्रेंड्स। और देखिए थोड़ा सा वीडियो को हम स्पीड कर दिए हैं, बाकी आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें देखिए मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, फ्रेंड्स ये मैं वीडियो दिखाने का मेरा ये मतलब है कि आप एक लिप्स को सही तरीके से ड्रॉ कैसे कर पाएंगे, और एक गलत तरीका दिखा दिया है साइड में, एक सही तरीका जो अभी हम कर रहे हैं उस तरह से करना है। जिस तरह से इसका शुरुआत किए, आउटलाइन ड्रॉ किए, किस तरह से एक ग्राफ के जरिए, तो उसी तरह करना है फ्रेंड्स, ताकि देखने में एक्यूरेट लगे लिप्स। देखिए मैं दोनों के करते आ रहा हूँ दोनों को।
पेंसिल अभी हम 6B यूज कर रहे हैं डार्क के लिए। इस तरीके से ही ब्लेंडिंग करना है आपको फ्रेंड्स। ये बिल्कुल आपका सही तरीका है अगर आप इस तरह से करते हो तो। ये अभी टोम्बो का इरेजर है 0 साइज का, थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही रिजल्ट देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से ही करना है। इस वीडियो में मेरा दिखाने का मकसद यही था कि आप एक लिप्स को अच्छे तरीके से मतलब ग्राफ के जरिए तरीके से कैसे आप ड्रॉ कर पाएंगे। ये तो आपका सही तरीका हुआ, वो गलत तरीका, बस इसी तरीके से करना है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत तो आप ही लोगों के लिए करते हैं, तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो ग्राफ के ज़रिए ही बनाना है आपको। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा ट्रिक के साथ कि आप ईजिली तरीके से कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, जैसे नोज हो गया, आईज हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।